So next example, in given example we are declaring four variables, variable A, B, C, D. All are integer types of variable, therefore it will take 2 bytes in 16-bit C compilers. We are writing memory space, memory allocation for A, memory allocation for B, memory allocation for C and D. Every integer variable will take 2 bytes in memory locations, like that. In that case, we are declaring, first of all, we are declaring four variables, variable A, B, C, D. Generally, these variables are created inside stack memory because of local variables. In that case, first one, A ke case mein currently assign karaya gaya value as -1. प्रीवियस केसेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था माइनस वन के केसेस में, माइनस वन के आज केस में नेगेटिव नंबर्स, जब भी नेगेटिव नंबर्स को एन नंबर ऑफ बिट्स में कॉपी करें देन एवरी टाइम ऑल बिट्स बिलोंग एज अ वन, बिकॉज करंटली ए के पास अवेलेबल बाइट्स कितनी है, देर आर 16 2 बाइट्स और 16 बिट्स. जब वन का बाइनरी नंबर ऐड करें माइनस वन का बाइनरी नंबर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन, वन का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ वन इन 16 बिट्स. वन का बाइनरी नंबर कितने बिट्स में राइट करोगे, 16 बिट्स में, 15 टाइम्स 0 1. देन इसके जस्ट बाद वन के केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग 15 टाइम्स सारे के सारे बिट्स कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वन, लास्ट बिट कन्वर्ट हो जाएगा 0. देन जब लास्ट बिट में 1 ऐड कराएं तो लास्ट बिट भी क्या हुआ, 0 प्लस 1 इज 1, मीन 16 टाइम्स 1. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 1, 1 के केसेस में बाइनरी नंबर क्या हुआ, ऑल टाइम्स 1 इन 16 बिट, 16 टाइम्स 1, दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ -1. सिमिलरली एज वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियस एग्जांपल्स, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 65535, 65535 के केसेस में बाइनरी नंबर क्या आएगा, ऑल्सो ऑल टाइम्स 1 और 16 टाइम्स 1, मीन्स -1 किस फॉर्म में, अनसाइंड फॉर्मेट, साइंड फॉर्मेट, और 65535 का सेम लोकेशन को साइंड फॉर्मेट में कंसिडर किया जाता है, इसका वैल्यू क्या है, ऑल्सो 16 टाइम 1, या सिंपली 65535 का बाइनरी नंबर 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट करें तो अगेन क्या आएगा, 16 टाइम्स 1, मीन्स दोनों के बाइनरी नंबर कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम. तो ए के केसेस में क्या साइन होगा, 16 टाइम्स 1, सेम एज बी के केस में क्या साइन हो रहा है, ऑल्सो 16 टाइम्स 1. 65535 और -1 दोनों की बाइनरी वैल्यूज कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम बाइनरी वैल्यूज, देयर इज नो डिफरेंस. थर्ड केस में सी के रिस्पेक्ट में बात करें, सी के केसेस में नंबर को इनिशियलाइज किया अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल वैल्यू, और हेक्साडेसिमल वैल्यूज के डिजिट्स कितने, देयर आर 4 डिजिट्स, एफ एफ F, F. As we are discussing, hexadecimal को मीन्स बाइनरी में असाइन करो, मीन्स वेरिएबल C के अंदर डेटा इंटरनली किस फॉर्म में असाइन होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट्स, लेकिन वैल्यूज अवेलेबल किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल, इसलिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल है, हेक्साडेसिमल का एवरी डिजिट रिप्रेजेंट करेगा 4 डिजिट्स बाइनरी बिट्स, मीन्स F मीन्स F इज इक्वेलेंट टू 15, 15 की केस में बाइनरी वैल्यू क्या आएगा, 4 टाइम्स 1. सेम एज अगेन एफ इज इक्वलेंट टू 15, लेकिन इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स 1, अगेन एवरी टाइम सेम केस, मीन्स इस केस में क्या आएगा, ऑल्सो 4 टाइम्स 1, अगेन इक्वलेंट टू 15, 4 टाइम्स 1, मीन्स अगेन इस केस में भी इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस टू केसेस. प्रीवियस टू केसेस में क्या बना था, ऑल टाइम 1, इस केस में क्या मिला, इन केस ऑफ 4 टाइम्स 16 टाइम्स 1, अगेन इसका मीनिंग क्या, सेम एज प्रीवियस केसेस, इसलिए सी में भी ऐसा हुआ, करंट वैल्यू है 16 टाइम्स 1. नेक्स्ट वन डी, डी के केस में बात करें, डी के अंदर वैल्यू और नंबर 0 से स्टार्ट किया, 0 के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करेंगे एज ऑक्टल नंबर. जिस टाइप से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट करना पॉसिबल था बाय क्रिएटिंग पेयर्स ऑफ 4 डिजिट बाइनरी बिट्स, सिमिलरली
ऑक्टल को भी डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में, सॉरी ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल हुआ। ऑक्टल का एक सिंगल डिजिट कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा? वन ऑक्टल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू थ्री डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। मीन्स राइट टू लेफ्ट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वन सेवन, सेवन के अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर क्या हुआ? थ्री टाइम्स वन इन थ्री डिजिट्स, अगेन सेवन थ्री टाइम्स वन, 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 नेक्स्ट टाइम वन ओनली वन, और वी कैन से जीरो जीरो वन लाइक दैट। अगेन इस केस में टोटल बिट्स कितने क्रिएट हुए हैं? फोर एट ट्वेल्व और अगेन 16 बिट्स। मीन्स इसका भी मीनिंग क्या, ऑल्सो 16 टाइम्स वन। मीन्स सभी केसेस में बाइनरी नंबर्स कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम बाइनरी नंबर्स। मीन्स ऑलमोस्ट सभी केसेस में ए बी सी डी के वैल्यूज भी कैसे हैं? ऑल्सो सेम वैल्यूज। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में प्रिंट ऐप के थ्रू डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना स्टार्ट किया। फर्स्ट केस में परसेंट डी के थ्रू डिस्प्ले कराया, परसेंट डी के केस में वैल्यू डिस्प्ले होंगी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। ए बी सी डी के वैल्यू अवेलेबल किस फॉर्मेट में? सभी केसेस में फोर टाइम्स परसेंट डी है, फोर टाइम्स परसेंट डी, परसेंट एक्स और परसेंट, फोर टाइम्स लाइक दैट। फोर टाइम परसेंट डी के थ्रू ए बी सी डी के वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, देन वैल्यू क्या आएगा? साइन बिट वन है, टू इज कॉम्प्लीमेंट के बाद इसका जब बाइनरी डेसिमल नंबर कैलकुलेट करें तो सभी केस में डेसिमल वैल्यू क्या होगा? ऑल टाइम्स माइनस वन। मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में साइंड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या डिस्प्ले होंगे? ऑल टाइम्स वन। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में वैल्यू परसेंट एक्स के थ्रू डिस्प्ले कराए, फोर टाइम परसेंट एक्स एंड फोर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। सभी वेरिएबल्स में वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इनके हेक्साडेसिमल वैल्यू डिस्प्ले होंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग सब फोर डिजिट से रिप्रेजेंट क्या हुआ? एफ 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 एफ, मीन्स फोर टाइम एफ इन ऑल केसेस, सेम एच ए, सेम एच बी, सेम एच फोर सी और सेम एच फोर डी, इज फोर टाइम एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, फोर टाइम एफ विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ बी, फोर टाइम एफ विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सी, फोर टाइम एफ विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ डी लाइक दैट। सिमिलरली ऑक्टल के केस में फोर लास्ट केस में सारे के सारे वैल्यू डिस्प्ले कराए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल, और सभी वैल्यूज का इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या हुआ? सेम। इस एवरी टाइम क्या डिस्प्ले हुआ? वन फाइव टाइम्स सेवन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ ए, विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो वन फाइव टाइम्स सेवन। इन सभी नंबर के केस में बाइनरी डिजिट सेम है तो ऑक्टल वैल्यू भी सभी केस में कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम, इसलिए डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल है। वन फाइव टाइम्स सेवन सेम है लास्ट केस, वन फाइव टाइम्स सेवन लाइक दैट। दिस इज द आउटपुट ऑफ करेंट प्रोग्राम।